हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रिया स्किन केयर में। तो आज हम देखेंगे फेस ब्लॉन्डर। जैसे कि आप देख रहे हो, ये फेस ब्लॉन्डर क्या है? आपने हेयर ब्लॉन्डर सुना होगा लेकिन फेस ब्लॉन्ड नहीं सुना होगा। तो कुछ अलग नहीं है, ब्लीचिंग का ही एक तरीका है, बस कुछ नया तरीका है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या अलग किया है। आप अगर वीडियो को बीच बीच में अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ बातें हैं जो नहीं समझ आएगा। और जो भी मेरे मतलब वीडियो देखते हैं या जो भी मुझे फॉलो करते हैं, तो आप तक मैं नई चीज़ें लाने की हमेशा कोशिश करती हूँ। तो आप ये वीडियो को अगर स्किप करोगे तो कुछ जो जानकारी की बातें हैं वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो आप ये वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। तो मैंने फर्स्ट ये क्लिंजिंग करना अपने फेस पे स्टार्ट किया है। ये कोई इसमें जो मैं ये लावेल का प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी अलग से क्लिंजर नहीं है। ये मेरे पास जो था मैंने वही यूज़ किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो क्लिंजर यूज़ कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने स्किन के हिसाब से आपको क्लिंजर लेना है। तो आज इस वीडियो में क्या अलग से है, जब हम घर पे या फिर सलोन में ब्लीच करते हैं तो क्लाइंट का कभी फेस ज़्यादा ऑयली रहता है या कभी ज़्यादा ड्राई रहता है। तो हमेशा जब हम ब्लीच करते हैं तो ड्राई स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जैसे कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, अगर हमारा ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा हो गया या फिर ब्लीच ज़्यादा हो गया तो उनको रैशेज आना स्टार्ट हो जाता है। या किसी की ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है तो उनको भी छोटे छोटे रैशेज आने लगता है, या फिर किसी की स्किन ख़राब भी हो सकती है। तो हमें क्या अलग से यूज़ करना चाहिए? और आपको पता ही होगा, अगर फेशियल के पहले या क्लीनअप से पहले हम ब्लीच नहीं करते तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है और लास्टिंग भी ज़्यादा नहीं रहती है। तो उस हिसाब से फिर हमें ब्लीच लेना है। तो कभी कभी किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर रहते हैं तो हम वैक्सिंग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी किसी के स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वैक्सिंग उनके स्किन पर हम नहीं कर सकते। तो आप ये फेस ब्लॉन्डर अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकते हो। तो ये मैंने क्लिंजिंग कर लिया है, आप देख सकते हो क्लिंजिंग कितनी देर तक कर रहे हैं। कम से कम 5 मिनट तो आपको अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है, उसके बाद हम ये क्लिंजर को निकाल लेंगे। अगर आप, मैंने और भी एक वीडियो डाला है ब्लीचिंग के बारे में, वो अलग से है, वो अलग प्रोडक्ट है, और ये फेस ब्लॉन्डर अलग से है। तो ये फेस ब्लॉन्डर हम ड्राई स्किन पे या ऑयली स्किन पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हो लावेल का जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर भी मॉइस्चराइज़र लिखा है। उनके ब्लीच और ब्लीचिंग पाउडर में और लिक्विड में, दोनों में भी मॉइस्चराइज़र है। तो आप ड्राई स्किन, ऑयली स्किन या सेंसिटिव स्किन या जिनके स्किन पे पिंपल है उनके ऊपर भी ये ब्लीच कर सकते हो। और ये ब्लीच होने के बाद आप पिलो मास्क या कोई भी नॉर्मल मास्क लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा क्लिंजिंग हो चुका है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो लावेल का ब्लॉन्ड प्लस है, ये एक मॉइस्चराइज़र ही है। तो क्लिंजिंग होने के बाद हमें इतना ही लेना है, उसके बाद पूरे फेस पे इसे लगा लेना है। ये लगाने का मतलब है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है उसके ऊपर आप एकदम से ब्लीच या फिर ये ब्लॉन्ड लगा लोगे तो काफ़ी इचिंग होता है। कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, ये निकालो, या जलन हो रही है। तो ये इसीलिए लगाते हैं कि अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है तो आपको जलन ना हो और आपके फेस पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो ये लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें ब्लीच कैसे मिक्स करना है ये ब्लॉन्ड। तो ये लावेल का फेस ब्लॉन्डर है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका मिक्सिंग रेशियो है, अगर आप 1 स्कूप अगर ये ब्लीच पाउडर ले रहे हो तो आपको 1 स्कूप ही उनका लिक्विड ब्लीचिंग लेना है। ये लावेल का लिक्विड है विथ मॉइस्चराइजर। अगर मैंने 1 स्कूप, जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 स्कूप अगर ब्लीच पाउडर लिया है तो 1 स्पून ही आपको ब्लीच लिक्विड लेना है। उसके बाद हम ये दोनों भी मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो काफ़ी कम क्वांटिटी लग रही है, ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप फिर बाद में भी इसे मिक्स कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी कम इसमें ही हो जाता है। तो ये मेरे फेस के लिए इतना इनफ था तो मैंने उतना ही लिया है। उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद आप देख सकते हो आप क्लाइंट को लिप्स इस तरह से करके अच्छे से एप्लीकेशन कर लीजिए। अगर जिस जगह पे क्लाइंट के ज़्यादा हेयर्स है, जैसे कि साइड लॉक्स और फोरहेड अपर लिप्स में ज़्यादा हेयर्स रहते हैं, यानी कि ज़्यादा डार्क हेयर रहते हैं, तो वहाँ पे आप फर्स्ट एप्लीकेशन कर लीजिए। मेरे फेस पे इतने ज़्यादा हेयर्स नहीं है
तो मैंने स्टार्ट चिन और अपर लिप से ही किया है। और आप देख सकते हो इस तरीके से जो लगा रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से ब्लीच लगाना है। और हो सके तो आप ब्रश का ही इस्तेमाल कीजिए, अगर आप अपने हाथों से लगाओगे तो वो उतने अच्छे से मतलब नहीं लग पाता है और अपने हाथों को भी इचिंग हो सकती है, तो आप ब्रश से अच्छे से एप्लीकेशन कीजिए। अगर आप घर पे कर रहे हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो या फिर आप सैलून में जाके ही कीजिए। तो इस तरीके से हमें ये लगा लेना है और ब्लीच क्लीनअप के बाद हो सके तो हम ज़्यादातर फेशियल या क्लीनअप ही बोलते हैं क्लाइंट को कि आप कर लीजिए। लेकिन ये ब्लॉन्डर के ये जो फेस ब्लॉन्ड है, इसके बाद अगर आप फेशियल या फिर क्लीनअप करते हो तो अच्छा ही है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या आप ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से पूरे फेस पे आपको लगा लेना है, आँखों के ऊपर नहीं लगाना है, लिप्स पे नहीं लगाना है, क्योंकि जितना भी ये तो है तो ब्लीच ही, तो आँखों के ऊपर जिस तरीके से हमने छोड़ा है उसे, उस एरिया को छोड़ के आपको लगाकर कम से कम 5 से 7 मिनट, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ज़्यादा ड्राई है तो 5 से 7 मिनट रखिए, अगर स्किन नॉर्मल है तो आप 10 मिनट भी इसे रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और अगर आपको हेयर रिलेटेड भी अगर वीडियोस देखने हैं तो हमारा और एक चैनल है अविनाश हेयर केयर, तो उसमें भी जाके आप हेयर कट, हेयर कलर, स्मूथिंग, स्ट्रेटनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से बताते हैं, तो आप वो भी चैनल देख सकते हो। तो ये 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो 10 मिनट होने के बाद हमें कोई मसाज वगैरह नहीं करना है, एकदम से निकाल लेना है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, आप भी यूज़ कीजिए, आपको देखिए कैसे लगता है। और काफ़ी अच्छा है, इससे कोई भी इचिंग या कोई भी रैशेस कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ऐसे नॉर्मली हम ब्लीच लगाते हैं तो होता ही है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। तो हो सके तो आप भी इसे मंगाइए, यूज़ कीजिए अपने क्लाइंट को, या आप घर पे भी इसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमें एकदम अच्छे से पोछ लेना है, पोछने के बाद हो सके तो आप फेस वॉश भी कर सकते हो, क्योंकि ब्लीच इतना अच्छे से नहीं निकल पाता है स्पंज से, हो सके तो आप फेस वॉश ही कीजिए। उसके बाद हमें टिश्यू से लेके पूरे फेस को अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई इसीलिए करना है कि इसके बाद जो भी हम लोशन, मॉइस्चराइजर या जो भी क्रीम लगाएंगे तो वो अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ब्लीच मैंने पहले भी कहा कि वो अच्छे से नहीं निकल पाता है, इसकी वजह से हमें टिश्यू से भी अच्छे से ड्राई कर लेना है। और ये रहा रिजल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।